हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम स्टडी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में, जिसकी ऑनलाइन सबमिशन 17 जून से स्टार्ट हो चुकी है और लास्ट डेट है इसका 16 ऑफ जुलाई का। बात करेंगे इसकी वैकेंसीज एंड सैलरी के बारे में। सबसे पहले हम सैलरी देख लेते हैं, तो 35,400 इसकी स्टार्टिंग सैलरी है। अब हम एक नज़र मारते हैं वैकेंसीज के ऊपर। तो वैकेंसीज को डिवाइड किया गया है बेसिकली दो भागों में, एक तो आगे दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज और एक आगे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंसीज। जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है उसके अंडर आता है CRPF, BSF, IDBP, CISF एंड SSB। बात करते हैं सबसे पहले दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज के बारे में, तो मेल में टोटल 32 हैं ओपन मेरिट में, 4 हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, 5 हैं एक्स सर्विसमैन और टोटल वैकेंसीज इसकी बनती है 41। और अगर फीमेल की बात करें तो सीधा ओपन मेरिट में यहाँ 35 दी गई हैं एंड टोटल 78 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे टोटल बनती है 91 सारी कैटेगरीज इंक्लूड करके। इसी तरीके से जो टोटल यहाँ पे बन रहा है वो है 1395 वैकेंसीज का, ठीक है, जिसमें CRPF की है 1072, BSF की है 244, IDBP की है 43, CISF की है 20, SSB की है 16। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। अब बात करेंगे एज लिमिट के बारे में। तो अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एज ब्रैकेट दिया गया है 20 से 25। अगर आपकी एज इस ब्रैकेट के अंदर है तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन दी गई है, OBC के लिए 3 साल की, NX सर्विस मैन के लिए 3 साल की। अब हम बात करेंगे कि फॉर्म फिल कैसे करना है आपको। तो अप्लाई करने के लिए आपको sec.nic.in पे जाना होगा, ठीक है। ये एक 100 रुपीज़ का फॉर्म है जिसको आप ये मोड्स ऑफ पेमेंट दिए हुए हैं रुपे कार्ड, डेबिट कार्ड एक्सेट्रा के थ्रू पे कर सकते हैं। आपको याद इतना रखना है कि आपने 18 तक पेमेंट कर देनी है, ठीक है। अप्लाई तो आपने 16 तक करना है, 16 जुलाई लास्ट डेट है, लेकिन जो पेमेंट है उसकी लास्ट डेट है 18 जुलाई, ठीक है। एंड ये जो इमेज है जो अपलोड करना है 50 KB एंड ऑल, ये मैंशनड है क्राइटेरिया, ये भी आपने गो थ्रू कर लेना है। इसकी प्रॉपर जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, अगर आप प्रॉपर नोटिफिकेशन भी पढ़ना चाहते हैं तो वो भी नीचे मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि 16 जुलाई लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, लेकिन फीस भरने की लास्ट डेट हमारे पास 18 जुलाई है। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन के बारे में। तो 3 टेस्ट आपके लिए जाएंगे, एक होगा पेपर 1, एक होगा पेपर 2 एंड थर्ड जो होगा वो होगा फिजिकल टेस्ट होगा हमारे पास TC। सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं, जिसको हमें पहले कंसंट्रेट करना है पेपर 1 निकालने के लिए। देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शुरू करवा दिया गया है हमारे चैनल पे, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन शुरू करवा दिया गया है एंड यहाँ पे रीजनिंग भी शुरू करवा दिया गया है, बच गया ये भी हम जल्दी करा देंगे शुरू। और नेक्स्ट जो पेपर है वो भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का एक लौता पेपर होगा 200 नंबर का। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश की कितनी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन बोला गया है, लेकिन यहाँ पे दो अलग तरीके से बांटा गया है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन को। तो इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पेपर के लिए। अब बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट जो मेल का है और फीमेल का है ये अलग अलग मेंशनड है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेल के लिए आपको 100 मीटर 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट्स में, लॉन्ग जंप, हाई जंप एंड शॉट पुट करना है, ये आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट है, ये तो होना ही होना है। बाकी कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स भी मेंशनड है। डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप ऐसे ही जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।